नमस्कार, मैं स्नेहल। करनाला केबल नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करनाला केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों को करनाला केबल नेटवर्क परिवार की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शेखा पक्ष ने जाहिर किया अपना वचननामा। रायगढ़ जिला परिषद की विषय समिति एवं समाज कल्याण समिति पद पर चित्रा पाटिल तो बाल कल्याण एवं महिला सभापति पद पर प्रिया मुकादम हुए विराजमान। और बड़े ही उत्साह के साथ पार्टी कार्यालय में मनाया गया 58वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। शेखा पक्ष के उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल तथा पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने अपना वचननामा शुक्रवार को जनता के समक्ष रखा, जिसका विमोचन विजयादशमी के पावन पर्व पर जय मात्रे तथा एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल के हाथों किया गया। पिछले 50 सालों से क्षेत्रीय कामगार पक्ष लोगों की सुख दुख का भागीदार बना हुआ है। केवल पनवेल उरण ही नहीं बल्कि समूचे राज्य में जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए शेखा पक्ष हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए अगर पनवेल उरण निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले 50 सालों से यह हमेशा शेखा पक्ष की जीत होती आई है। ये बात अलग है कि 1999 के विधानसभा चुनाव में विरोधियों ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर जनता में दहशत फैलाई और चुनाव का मैदान मार लिया, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से विरोधी दल के विधायक ने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया है, जिसके चलते एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में शेखा पक्ष का ही पलड़ा भारी लग रहा है। परंतु फिर भी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ना भूलते हुए हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहने वाले शेखा पक्ष के उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल तथा पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने अपना वचननामा शुक्रवार को जनता के समक्ष रख दिया। आगामी काल में पनवेल उरण निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के क्या क्या मुद्दे होंगे, इसका लेखा जोखा इस वचननामे में बताया गया है। दशहरा यानी विजयादशमी के पावन पर्व पर पूर्व नगराध्यक्ष जय मात्रे तथा एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल के हाथों इन वचननामों का विमोचन किया गया। बताया जाता है कि इन वचननामों के जरिए विधायक विवेक पाटिल एवं बालाराम पाटिल ने सीमोल्लंघन कर जनता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा दिखाने एवं विरोधियों को धूल चटाने तैयार हुए हैं। इन वचननामों के बारे में विधायक विवेक पाटिल एवं बालाराम पाटिल ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। शुरुआतीला सारे जनतेला विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। या ठिकाणी विजयादशमीचा मुहूर्त साधत दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर पनवेल आणि उरण मतदारसंघासाठीचा शेतकरी कामगार पक्षाचा जाहीरनामा आपण आज प्रकाशित केलेला आहे। हा जाहीरनामा बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की मतदारसंघाची जी भौगोलिक परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा साकल्यानं विचार करत अतिशय अभ्यासपूर्वक असा हा जाहीरनामा शेतकरी कामगार पक्षाच्या संबंधित विभागातल्या मंडळींनी तयार केलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये जे मुद्दे घेतलेले आहेत ज्याच्यावर प्रत्यक्षात ऑलरेडी आम्ही काम करतोय किंवा जे आमच्या कामाच्या एकंदर पद्धतीचं सातत्यानं पाठबळ जे बॅकबोन आपण बोलतो तसं राहिलेलं आहे या मुद्द्यांचा समावेश याच्यामध्ये आहे। विशेषतः सर्व मतदारसंघाचा भौगोलिक आणि सामाजिक विचार करून अतिशय नीट नेटका सुबक असा जाहीरनामा जनतेच्या समोर दिलेला आहे आणि दिलेला हा जाहीरनामा तंतोतंत अंमलात आणण्याच्या दृष्टीनं आम्ही दिलेला आहे। आणि ह्या जाहीरनाम्यामध्ये पनवेल आणि उरणचा स्वतंत्र आम्ही विकासनामा जाहीरनामा काढलेला आहे। मग राज्य लेव्हलला आमचा पक्षाचा जाहीरनामा एक वेगळा स्वतंत्र प्रसिद्ध होणार आहे। पण राज्याचा प्रश्न असला तरी इथं पनवेल आणि उरण हे डेव्हलपिंग असल्यामुळे इथले काही विशेष असे महत्त्वाचे असे प्रश्न आहेत त्या संदर्भातला मी या ठिकाणी
जाहीरनामा काढलेला आहे. उरण आणि पनवेल मतदारसंघाचे काही कॉमन मुद्दे जे महत्त्वाचे आहेत, कारण उरण आणि पनवेल हे फार हायली डेव्हलपिंग एरिया होत आहे. ह्या भागामध्ये येत्या 2-3 वर्षामध्ये जवळ 40-45 हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे, आणि ही गुंतवणूक होत असताना ह्या गुंतवणुकीमुळे इथलं जे काय विकास होणार आहे, ह्या विकासाचा फायदा इथल्या राहणाऱ्यांना, मग तो इथला प्रकल्पग्रस्त असेल, भूमिग्रस्त असेल, ग्रामस्थ असेल, वसाहतीमध्ये राहणारा माणूस असेल, या सगळ्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. त्या अनुषंगानं जो काय डेव्हलपमेंट होणार आहे, त्याच्यामुळे जो काय रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण होणार आहे, तो रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी ट्रेनिंग देणं हे त्या त्या प्रकल्पावर आम्ही बंधनकारक करणार आहोत, की जो प्रकल्प येईल त्यांना माहिती आहे कशा प्रकारची मॅनपॉवर त्यांना लागणार आहे, आणि ही मॅनपॉवर त्यांना ज्या प्रकारची लागणार तशा प्रकारची मॅनपॉवर आमच्या इथल्या तरुण तरुणींमधनं तयार करण्याची जबाबदारी आम्ही त्यांच्यावर टाकणार आहोत. त्याशिवाय आम्ही त्यांच्या कामाला सुरुवात करून देणार नाही. का जेव्हा प्रोजेक्ट तयार होईल 2 वर्षांनी 2.5 वर्षांनी 3 वर्षांनी, त्याचबरोबर 2-2.5 वर्षाचं ते ट्रेनिंग घेऊन आमची मॅनपॉवर त्या ठिकाणी तयार असेल. विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी. तभी से विजयादशमी के दिन धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है. पनवेल पार्टी कार्यालय में विधायक विवेक पाटिल सहित उपस्थित गणमान्यों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अभिवादन किया. 58वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पनवेल शाखा पक्ष पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को मनाया गया. विजयादशमी के पावन पर्व पर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी. तभी से विजयादशमी के पावन पर्व पर धम्म प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है. पनवेल पार्टी कार्यालय में विधायक विवेक पाटिल, शेकापक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे, शेकापक्ष के महाराष्ट्र प्रदेश झोपड़पट्टी पुनर्वास एवं विकास महासंघ के अध्यक्ष बारा सदावर्ते, जिला परिषद की महिला एवं बाल कल्याण सभापति प्रिया मुकादम, करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेख पाटिल, वजुभाई सादरानी आदि गणमान्यों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया. इस दौरान बारा सदावर्ते ने सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विरोधियों पर तीखा प्रहार किया. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 सालामध्ये तमाम दलितांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, सर्वांना बुद्धाच्या ओटीमध्ये टाकलं गेलं. आज या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला 58 वर्ष पूर्ण होत आहेत. गर्वाने सांगेन की बाबासाहेबांचा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन असो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयंती महोत्सव असो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिवस असो, छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती असो, शिवरायांची जयंती असो, ज्या ज्या राष्ट्रपुरुषांच्या ह्या कार्यालयामध्ये ज्या तवी लागलेल्या आहेत, ते कार्यक्रम शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून, आदरणीय आमचे नेते आमदार विवेक पाटलांच्या माध्यमातून, बाराम पाटलांच्या माध्यमातून, भाऊंच्या माध्यमातून आणि तमाम शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून चाला भारतामध्ये या कार्यालयामध्ये होत असतो, ही गोष्ट अतिशय गर्वाने सांगायला वाटतो. व इस दौरान पनवेल स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले को भी माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया. होय, आम्ही केल्या या पुस्तकामध्ये त्यांच्या फोटोचा आम्ही छापलेल्या पुराव्याने छापलेला, आणि एवढं असाल तर तुम्ही तुम्हाला सांगताय का आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर भवन आम्ही केले? अरे साध्या तुम्हाला 5 वर्षाच्या तुमच्या सत्तेमध्ये तुम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नाव घ्यायला लाज वाटायला पाहिजे, परंतु त्यांचं पुनर्वसन करता आलं नाही. ते पुनर्वसन आमदार विवेक पाटील साहेबांनी केलेलं आहे. आज गावागावामध्ये झोपडपट्टीमध्ये विसरतो आणि त्या ठिकाणी बाळूशेठ नावा पाटलांच्या नावाने ते ज्या झोपड नावडा पॅटर्न त्यांनी उभारलेला आहे. आज 8 मजल्याच्या इमारतीप्रमाणे जाऊन आलो. प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये हा आमचा जाहीरनामा, हा आमचे विचार पोहोचवत असताना प्रत्येक झोपडपट्टीचे कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणाने आम्हाला प्रतिसाद देतात की आतापर्यंत सदावर्ते साहेब हे कार्यक्रम कोणी हातामध्ये घेतलं नाही, तर शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम हातामध्ये घेतलेले आहेत. हर बृहस्पतिवार को श्री साई देवस्थान वाहाल द्वारा समाज में उल्लेखनीय कामगिरी करने वाले व्यक्तियों को साई सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाता है. इस बृहस्पतिवार को चिरनेर स्थित डॉक्टर प्रकाश मेहता को साई सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया. समाज में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों का सत्कार श्री साई देवस्थान वाहाल द्वारा किया जाता है. सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा, संगीत, कला, प्रेमी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का सहभाग
सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा, संगीत, कला प्रेमी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का इसमें सहभाग रहता है। इस बृहस्पतिवार को चेन्नई के डॉक्टर प्रकाश मेहता को श्री साई सम्मान पुरस्कार देकर नवाजा गया। डॉक्टर प्रकाश मेहता के पूरे परिवार का सम्मान इस दौरान किया गया। डॉक्टर प्रकाश मेहता की पत्नी का सत्कार पूर्व झड़पी सदस्य पार्वती पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रकाश मात्रे ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए श्री साई देवस्थान महाल के आभार व्यक्त किए। अब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला केबल नेटवर्क। हॉलमार्कच्या दागिन्यांचे पनवेल मधील एक प्रशस्त शोरूम पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लॅटिनम, पटेल ज्वेलर्स जोशियाळी पनवेल। वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इथियोस, इथियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यू ट्रस्ट। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, परसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारा संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेतकरी कामगार पक्ष के जिला सचिव मंडल के सदस्य सुभाष आहिर का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने सुभाष आहिर का अभिष्ट चिंतन कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
सोमवार को अलीबाग में रायगढ़ जिला परिषद की विषय समिति एवं समाज कल्याण सभापति पद पर चित्रा पाटिल की नियुक्ति की गई, तो बाल कल्याण एवं महिला सभापति पद पर प्रिया मुकादम की नियुक्ति की गई। इस खुशी में कलमबोली में प्रिया मुकादम की प्रचार रैली का आयोजन किया गया था। रायगढ़ जिला परिषद के विषय समिति एवं समाज कल्याण तथा महिला व बाल कल्याण सभापति चुनाव जिला परिषद के स्वर्गीय नाना पाटिल सभागृह में बृहस्पतिवार को संपन्न हुई। इस चुनाव में अर्थ एवं निर्माण सभापति पद पर शेखावश की चित्रा पाटिल की नियुक्ति की गई, तो महिला एवं बाल कल्याण सभापति पद पर प्रिया मुकादम की। विषय समिति एक एवं विषय समिति दो तथा महिला एवं बाल कल्याण समिति सभापति तथा समाज कल्याण समिति सभापति का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान जिला परिषद के अर्थ एवं निर्माण सभापति पद पर चित्रा पाटिल की नियुक्ति होने पर तथा महिला तथा बाल कल्याण सभापति पद पर प्रिया मुकादम की नियुक्ति होने पर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंडित पाटिल, अध्यक्ष सुरेश टोकरे, उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे, शेखावश की जिला महिला आघाड़ी प्रमुख चित्रलेखा पाटिल, शेखावश की युवा नेता एडवोकेट आस्वाद पाटिल, रायगढ़ बाजार के चेयरमैन रूपाल पाटिल, भावना पाटिल आदि सहित उपस्थित शेखावश के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने चित्रा पाटिल तथा प्रिया मुकादम को बधाइयां दी। वही नवनिर्वाचित महिला एवं बाल कल्याण सभापति प्रिया मुकादम का पनवेल पार्टी कार्यालय में उपस्थित मान्यवरों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जे एम म्हात्रे तथा पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष काशीनाथ पाटिल ने प्रिया मुकादम को आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। महिला व बाल कल्याण समिति सभापति पदी प्रिया भवन मुकादम यांची निवड झाल्याबद्दल शेतकरी कामगार पक्ष पनवेलच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आहे। आणि हे अभिनंदन करत असताना त्यांच्याकडनं रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये अतिशय चांगलं सोन्यासारखं पद आज पक्षानं त्यांच्यावर जी जबाबदारी टाकली ते पद निश्चित चांगल्या रीतीने ते काम करतील। त्यांच्या पदाच्या माध्यमातनं ते निश्चित महिला आणि बालकल्याण या खात्याच्या बद्दल महिलांच्या ज्या ज्या काही योजना असतील त्या योजना महिलांच्या उन्नतीसाठी निश्चित वापरतील असा एक विश्वास मला या ठिकाणी वाटते। मी ज्या ज्यावेळी त्यांची भाषणं ऐकलीत खरोखर चांगल्या पद्धतीने ते बोलतात, त्याच्यामुळे आज तेवढ्या महिला त्यांच्यासोबत आज इथं आलेल्या आहेत। आज जर बघितलं आपण जो काम करतो त्याला पद मिळतो, त्यांनी कधी आज पदाची इच्छा तयार नव्हती, परंतु अचानक त्यांच्या पदात आज एक अतिशय महत्त्वाचा जिल्ह्याचा पद पडलेला आहे। आपण एखादा सरपंच झाला किंवा एखादा सदस्य आला त्याला अतिशय मोठाही वाटतो, पण ही जिल्ह्याचे सभापती आहेत। जिल्हा म्हणजे एक राज्यच आहे आपला अलिबाग, एक कुला आपला रायगड जो जिल्ह्याचे या सभापती, तर एक राज्यासारखा सभापती पद त्यांच्या ताब्यात मिळालेलं आहे। त्यांनी निश्चित महिलांकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावा आणि आपल्या शेका पक्षाचं नाव त्यांनी उज्ज्वल करावा, एवढीच मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो। वही प्रिया मुकादम की इस उपलब्धि पर कलमबोली में उनकी विजय रैली निकाली गई। बड़े ही उत्साह के साथ नवरात्र उत्सव मनाया गया। नवरात्रि के 9 दिन डांडिया प्रेमियों पर डांडिया का खुमार चढ़ा हुआ था। जल्लोष डांडिया 2014 में विभिन्न प्रकार के पहराव पहनकर डांडिया प्रेमियों ने मजा लिया, तो आइए देखते हैं डांडिया की कुछ झलकियां। नवरात्र उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 9 दिन गरबा प्रेमियों ने डांडिया का आनंद उठाया। जय मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित जल्लोष 2014 में गरबा प्रेमियों का उत्साह जल्लोष देखने लायक था। विभिन्न पहराव कर डांडिया का आनंद गरबा प्रेमियों ने लिया। आओ तो देव भवानी
काली माता का तो किसी ने गुजरात का, तो किसी ने मारवाड़ का, तो किसी ने कोली बांधव का पहराव धारण किया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने दांडिया किया। का भी आयोजन किया गया था। नृत्य स्पर्धा में विजेता ग्रुप ने विभिन्न गानों पर नृत्य कर कार्यक्रम की रंगत बढ़ाई। विजेता ग्रुप का स्वागत तथा बख्शीश वितरण नगर सेवक प्रीतम मात्रे के हाथों किया गया। दोबारा वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे कर्नाला केबल नेटवर्क के साथ। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुंचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम, सुषमा कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया। अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ हाँ सब कुछ बताती हूँ, नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी। ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस,
और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 बार 10 बार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साड़ी, गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले, साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेले नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपयापर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। सहावारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्योर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, थ्री पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा, दीपक साडीज गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज, 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 0222745-2433। दीपक साडीज। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत। पनवेल स्थित वांगनी तरफे वाजे चुनाव क्षेत्र में विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों ने पदग्रहण कार्यक्रम का आयोजन बृहस्पतिवार को पनवेल पार्टी कार्यालय में किया गया था। इस दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पनवेल स्थित वांगनी तरफे वाजे चुनाव क्षेत्र में विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों के पदग्रहण कार्यक्रम का आयोजन बृहस्पतिवार को पनवेल पार्टी कार्यालय में किया गया था। इस दौरान क्षेत्रीय कामगार पक्ष के नेता शंकरशेठ पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष काशीनाथ पाटिल, वामन शेलके आदि गणमान्यों सहित क्षेत्रीय कामगार पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान संतोष सुदाम शेलके की पालेखुर्द सह सचिव पद पर नियुक्ति की गई, तो पुष्पा पाटिल की पालेखुर्द महिला आघाड़ी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई, तो प्रमिला पाटिल की शिवकर मोह महिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। उपस्थित गणमान्यों के हाथों पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान काशीनाथ पाटिल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां देते हुए उन्हें आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका पहिल्यापासून निश्चित आहे की जो पदाधिकारी संघटनेत मनापासून काम करतोय त्याला संघटनेमध्ये त्या त्या लेव्हलचं कामाचा वाव दिला जातो। वांगणीतर्फे वाजे मतदारसंघामध्ये काम केल्यानंतर आम्ही काही कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्या घेरल्या, कारण गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये 7,800 आघाडी बहुमत शेतकरी कामगार पक्षाला मिळवून देणारा मतदारसंघ म्हणून पनवेल विधानसभा मतदारसंघात वांगणीतर्फे वाजे या मतदारसंघाचा नाव घेतलं जात आहे। त्या अनुषंगानं पक्षाचे तालुका चिटणीस असतील, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयमाते साहेब असतील, आपले नेते आदरणीय विवेकानंद पाटील साहेब असतील आणि आपले उमेदवार विवेकानंद पाटील साहेब असतील, बाळाराव पाटील साहेब असतील, यांनी आम्हाला निर्देश दिले की जे कार्यकर्त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत अतिशय चांगलं असं उत्तम काम केलेलं आहे त्या त्या गावातील पदाधिकाऱ्यांना हेरा, त्यांचा शोध घ्या आणि त्यांना सन्मानाची आणि कर्तृत्वाची वागणूक करा, त्यांच्या कामाची तुम्ही कदर करा असे निर्देश तालुका चिटणीसांना दिल्यानंतर आज या ठिकाणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं वांगणीतर्फे वाजे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचं चिटणीस म्हणून श्री संतोष शेळके यांचं पक्षाने निवड केलेली आहे, त्यांचं मी शेतकरी कामगार
अभिनंदन करतोय ते माझे जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या विभागीय महिला आघाडी प्रमुख पुष्पा पाटील यांची पक्षानं नेमणूक केलेली आहे. तर सातत्यानं ते आपल्या संघटनेत काम करतात. प्रमिला पाटे या महिला आघाडीच्या उपाध्यक्षपदी त्यांची त्या मतदारसंघात आपण नेमणूक केलाय. शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कामोटे शहर के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं ने शेगा पक्ष में जाहिर प्रवेश किया, जिनका शेगा पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल सहित उपस्थित गणमान्यों ने पार्टी में स्वागत किया. शेगा पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कामोटे के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं ने शेगा पक्ष में जाहिर प्रवेश किया. बुधवार को कामोटे सेक्टर 12 एवं 14 स्थित जनसंपर्क कार्यालय में संपन्न हुए इस कार्यक्रम के लिए शेका पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जे एम महात्रे, उपसरपंच के महात्रे, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, पूर्व सरपंच हेमलता गोबारी, शंकर महात्रे, समाज सेवक जयेश लोखंडे, यशवंत लोखंडे आदि गणमान्यों सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस दौरान बालाराम पाटिल ने कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की. जे लढाऊ सहकारी शेतकरी कामगार पक्षामध्ये प्रविष्ट झालेला आहे, आपण साऱ्यांचं शेतकरी कामगार पक्षामध्ये मनापासून जिल्हा चिट्ठीच्या नात्याने स्वागत करतो. आणि हे स्वागत करत असतानाच आपण ज्या विश्वासानं ज्या उमेदीनं शेतकरी कामगार पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे ती उमेद हरू जाणार नाही, तो विश्वास सार्थ करू असं अभिवचनही आपल्याला या ठिकाणी देतो. शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून काम करत असताना या कामोटे शहराच्या जडणघडणीपासून शेतकरी कामगार पक्षानं कामोट्याचं संगोपन केलं. कामोट्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी विकासाची दंगा या ठिकाणी आणली. कामोट्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं सातत्यानं संघर्ष केला, लढे आंदोलन मोर्चे केले, सिडको शासनाला घेरी सांडून आपले प्रश्न सोडवायला लावले. ज्या ज्या सत्तापद शेतकरी कामगार पक्षाच्या आधिपत्याखाली होती, मग ग्रामपंचायत असेल, जिल्हा परिषद पंचायत समिती असेल, या सत्तापदांच्या माध्यमातून या कामोटे वसाहतीतल्या बाह्य प्रश्नांबरोबरच सोसायट्यांच्या अंतर्गत प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लावले. इस दौरान उपस्थित गणमान्य के हातो यंग स्टार मित्र मंडल कामोटे, वरिष्ठ नागरिक, जिजाऊ महिला मंडल कामोटे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया गया. आखिर में फिर एक नजर डालते हैं खास खबरों पर. शेका पक्ष ने जाहिर किया अपना वचननामा. रायगढ़ जिला परिषद की विषय समिति एवं समाज कल्याण समिति पद पर चित्रा पाटिल तो बाल कल्याण एवं महिला सभापति पद पर प्रिया मुकादम हुई विराजमान. और बड़े ही उत्साह के साथ पार्टी कार्यालय में मनाया गया 58वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस. आज के लिए बस इतना ही. करनाला केबल नेटवर्क के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा संपर्क नंबर है 2745-7338. आपसे फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.